पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात बढ़ गए हैं और तहफुजात से नून लीग को आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। और कहा है कि देखते हैं नून लीग अब किसको नामजद करती है, पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में फैसला करेगी। ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करने के फैसले पर कायम है। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम के लिए उम्मीदवार तब्दील करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। शहबाज शरीफ ही वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, ये कहना था मुशाहिदुल्लाह खान का। नून लीग के फैसले बिलावल भुट्टो ने करने हैं तो पीपल्स पार्टी के फैसलों का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दें, ये भी कहा मुशाहिदुल्लाह खान ने। आइंदा से हम उनके और वो हमारे फैसले किया करेंगे। इस मौके पर उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं। हमारा पार्टी ने नून लीग किया है, देखते हैं कि वो कौन आखिर वक्त में नामजद करते हैं और तब फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की किस पार्टी क्या। हमारा पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात मजीद बढ़ गए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी गुफ्तगू भी की कैपिटल टीवी से, वो भी हमने आपको सुनवाई। और इस मौके पर मुशाहिदुल्लाह खान का क्या कहना था वो भी सुनिए। हमने जब सेनेट में बहुत इससे पहले बहुत कुछ हुआ था, सेनेट का चेयरमैन इलेक्ट हुआ था, जिस तरीके से सेनेटर्स बने थे उस वक्त जो बातें की गई थी वो सबके सामने ही है ना भाई। तो अब अगर यानी कि कोई उस दिन मीटिंग में ये भी बात हुई वहाँ पे किसी चेयरमैन के पीपल पार्टी के लोग ऑन रिकॉर्ड हैं कि इन्होंने काम चेंज करेंगे, उसने सईद गनी ने भी कहा, मेरा ख्याल खुर्शीद शाह ने भी कहा ना, तो अगर वो करेंगे तो अपोजिशन, हम तो चाहते हैं अपोजिशन इकट्ठी रहे और हम इंशाल्लाह इसको इकट्ठा रखेंगे, ये वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ज़बरदस्ती तो ना वो हमसे करें ना हम। मुशाहिदुल्लाह खान की गुफ्तगू आपने सुनी, मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी आरिफ सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ सैयद, अपडेट कीजिएगा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो इख्तिलाफात की खबरें आ रही थी वो अब खुलकर सामने आ गई हैं। जी नवीद, बिल्कुल देखेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तिलाफात थे वो बिल्कुल बढ़ गए हैं। आज जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कैपिटल टीवी ने सवाल किया तो उन्होंने कैपिटल टीवी ने सवाल किया कि क्या आप बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ को वोट देंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने अभी तक ये फैसला नहीं किया। जब जो है मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करने का जो है फैसले पर अभी तक कायम है, जब हमारी मुशाहिदुल्लाह खान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ही वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, पीपुल्स पार्टी स्पीकर के लिए हमसे वोट लेने के बाद अब वजीर आजम का उम्मीदवार तब्दील करने का मुतालबा कर रही है। अगर नून लीग के फैसले बिलावल भुट्टो ने करने हैं तो पीपुल्स पार्टी के फैसलों का अख्तियार शहबाज शरीफ को दे दें, आइंदा से हम उनके और वो हमारे फैसले किया करेंगे। इस तरह की डिक्टेशन तो माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं देते। बहुत शुक्रिया आरिफ सैयद, तुम्हारा कैपिटल टीवी इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे।